हेलो गाइस, सो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज का जो मतलब व्लॉग है वो कुछ मेरा ऐसे डेली व्लॉग नहीं है, क्योंकि मैं नहीं ये व्लॉग कर पा रही हूँ। मैंने 2 डेज़ तक भी बहुत ट्राई किया था, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत सेंसिटिव है और घर का माहौल ऑलरेडी थोड़ा अजीब हो गया था, क्योंकि काजल 2 दिन से इतना ज़्यादा रो रही है। मैं वहीं पर थी 2 दिन तक, और मैं ये शो नहीं कर रही थी मम्मा को कि हाँ कुछ इतनी बड़ी चीज़ हुई है, क्योंकि उनको वैसे ही हार्ट पेशेंट है तो हम उनके सामने ना ज़्यादा ऐसी कुछ बातें करते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें छुपती नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हो, सिद्धू जी के सॉन्ग तो मतलब बच्चे बच्चे से लेकर बड़ों तक सब ने ही सुने हैं। और जब ये न्यूज़ हमें मिली थी ना, तो पहले तो मुझे यही लगा था कि ये फेक है और मैं इस पर बिलीव ही नहीं करना चाहती थी। तो मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ना सोच भी नहीं रही थी, और मैं यही बोले जा रही थी कि ये फेक है, ये फेक है। लेकिन वही है कि फेक नहीं थी, जो चीज़ें वो बता रहे थे वो सब सच था। और काजल मुझे यही बोल रही थी कि शिल्पा मुझसे मतलब वो 2 दिन से अपने रूम में पैक्ड है, और उससे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि उनकी ज़्यादा एज भी नहीं थी और एकदम से जैसे उनका मर्डर हुआ, तो ये नॉर्मल डेथ नहीं है। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ पे बिलीव करना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन बहुत 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 दुख की बात है, हम इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये इतने सेंसिटिव टॉपिक होते हैं कि मैं इन पर बात करना भी ना मतलब सही नहीं समझ रही थी, क्योंकि मुझसे मैं इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है कि मैं टॉपिक इतने ज़्यादा सेंसिटिव है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस टॉपिक पे कैसे बात करूं। लेकिन मुझसे व्लॉग ही नहीं हो पा रहा था। मैं जब मम्मा के पास भी थी, तो वहाँ पे भी मैं पहले तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए फ्लैट्स वगैरह देखने चली गई, तो मुझे हुआ कि नहीं ये फेक ही है, फेक ही है। मैं ज़्यादा ना इंस्टाग्राम पे फोकस कर रही थी और ना मैं न्यूज़ देखना चाह रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल कुछ भी आपसे फिर हो ही नहीं पाता। और कल ऐसा ही हुआ कि जब उनका सब कुछ हो रहा था और मेरे सामने वो चीज़ें बार बार आ रही थी, काजल एकदम से रोने लग गई, उनके डैड की वीडियो, मॉम की वीडियो, उसको देख के तो मतलब सबकी हालत ख़राब हो गई। और फिर बिल्कुल ऐसे हो गया था कि जो उनका दुख है वो ही समझ सकते हैं। हम सिर्फ फील कर पा रहे हैं कि उनका इकलौता बेटा था और इतना बुरा उनके साथ हुआ, क्योंकि वो इतनी छोटी एज में इतने बड़े बड़े काम करके गए हैं कि उनके डैड को उन पर बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड है। वो दिख भी रहा था, लेकिन वो मोमेंट इतना ज़्यादा इमोशनल था कि ना चाहते हुए भी ना हर किसी को मतलब रोना ही निकल रहा था। हम कितना ही अपने आप को समझा लें कि भगवान की मर्ज़ी थी या उनको ऐसे जाना था, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए हैं। उनको जैसे उनके साथ हुआ है, भगवान किसी के साथ भी ना करे। और बस हम यही प्रे कर रहे हैं कि उनके मॉम डैड को भगवान जी थोड़ी सी हिम्मत दे, क्योंकि बहुत बहुत बुरी हालत है उनके मॉम डैड की इस टाइम पे। और जैसे ही इस चीज़ को हम थोड़ा सोच रहे थे, बात कर रहे थे और थोड़ा ऐसे गॉड से प्रे कर रहे थे कि ये चीज़ जो हुई है किसी के साथ आगे ना हो और उनको भी भगवान जी बहुत स्ट्रांग बनाए उनके मॉम डैड को, तभी नाइट में काजल की कॉल आई। क्योंकि आज ना हम लोगों का एक शूट था, हमें जाना था आउट ऑफ दिल्ली था मतलब, तो हम लोग रात को बस यही सोच रहे थे कि मेरे से व्लॉग तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो जब हम जाएंगे तो मैं थोड़ा सा व्लॉग वो कर लूँगी। क्योंकि मेरा व्लॉग बनाना पर्पस नहीं है, मेरे को व्लॉग बनाने में जितना हिम्मत की ज़रूरत होती है ना वो मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अभी कोई, मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरा पूरा 1 साल आप लोगों के लिए मैंने अपना डेडिकेट किया है, तो मैं आज का दिन भी ऐसे स्किप नहीं करना चाहती थी। और ये अभी मैं बोल पा रही हूँ और ये अभी आप लोगों को व्लॉग डलेगा, क्योंकि कल पूरे दिन मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा था। साहिल मुझे बहुत समझा रहे थे, लेकिन फिर वो भी बहुत ज़्यादा साहिल सेंसिटिव है, तो उन्होंने यही बोला कि आपका मन नहीं है तो मत करो। लेकिन फिर वही चीज़ थी कि मुझे अगर मैं इस चीज़ पर बात नहीं करूँगी ना, तो मैं और ज़्यादा ऐसे डिप्रेस्ड हो जाऊँगी। तो रात को जैसे ही सब कुछ हो रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, सब चलते हैं, तो मेरा शूट था और मैंने काजल को बस इतना बोला कि तू भी साथ चले, मेरा मन नहीं है अकेले जाने का, सॉरी। तो वो एकदम से बहुत तेज़ रोने लग गई, तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ। तो मतलब जिनके हम बचपन से सॉन्ग सुनते आ रहे हैं, जो के उनका नाम है, आपने भी सुना होगा, तो मुझे उसने बोला कि यार उनकी भी डेथ हो गई। तो मैंने बोला तू पागल है, तो बोलती नहीं शिल्पा मुझे बात नहीं हो पा रही है और मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं बात नहीं कर पा रही अभी, और फ़ोन काट दिया। तो मैंने कहा साहिल ये पता नहीं काजल ने ऐसे बोला है कि ऐसा कुछ हुआ है। वो 53 एज के थे और वो एक कॉन्सर्ट में गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने जैसे ही अपना कॉन्सर्ट ख़त्म किया, बाहर निकले, उनको चक्कर आया और ही पासेज अवे। तो मतलब अजीब से भी अजीब हो गया,
फिर तो मतलब हिम्मत ने ही जवाब दे दिया कि अब तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान जी चाह क्या रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े ये हमारे लिए लेजेंड ही हैं जो इतना काम, मतलब इतना अच्छा आप लोगों को गाने देते हैं। मुझसे बात नहीं हो पा रही है गाइस, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं इस टॉपिक पे मुझसे बोला ही नहीं जाएगा, मैं क्या ही इन चीज़ों में बोल सकती हूँ। बस मैं एक अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि मुझे बहुत अजीब हो गया है अभी तो, थोड़ा सा एक न्यूज़ के बाद दूसरी न्यूज़, और दोनों ही हमारे लिए बहुत बड़े स्टार थे और सब इनको जानते ही थे। हम तो मतलब जब छोटे थे तब मैं के जी के सॉन्ग सुनती आ रही हूँ, तो बस वही था कि मेरे लिए थोड़ा अजीब होता जा रहा था। और इन चीज़ों से बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि लाइफ में ना आप जब ऐसी कोई बड़ी चीज़ देखते हो तो आपको अपनी लाइफ बहुत छोटी लगने लगती है, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत, मतलब ये कर्मा है जो आपको अच्छे अपने करने हैं। जैसे अब सिद्धू जी ने इतने अच्छे कर्म किए कि उनको आज भगवान की तरह पूज रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो सबकी इंस्पिरेशन थी, उन्होंने बहुत मतलब यूथ को इतना इंस्पायर किया है कि इतनी कम एज में आप अपने मॉम डैड के लिए इतना कुछ कर सकते हो, जो वो करके भी गए हैं और आपने देखा भी है। उनके डैड की एक वीडियो बार बार कल इतनी ज़्यादा वायरल कर रहे थे, जो वो सिद्धू जैसे करते थे उन्होंने वैसे लाइक किया और बोला कि उनको प्राउड है अपने बेटे पे, और जब उन्होंने अपनी पग निकाल के सबको शुक्रिया किया, मतलब वो बहुत ऐसा मोमेंट था कि सबके आंसू निकल गए वहाँ पे। तो मतलब ये लोग हैं जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया है, तो हम लोग बस यही सोच रहे थे कि कभी भी यार किसी का दिल मत दुखाओ और अच्छा ही करो, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपको अच्छे में ही याद रखते हैं। अगर आप कुछ अच्छा उनको लेसन देते हो या कुछ अच्छा सिखाते हो तो वही चीज़ें आपकी याद की जाती हैं। बाकी ये कि अभी आज का दिन थोड़ा, आज का नहीं काफ़ी डेज ऐसे रहने वाले हैं, क्योंकि जब जब ये चीज़ें अभी सामने आएंगी थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, तो मुझसे व्लॉग नहीं बन पा रहा था। बाकी मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि जितने लोग भी सिद्धू जी के और केके के फ़ैन थे वो थोड़ा सा प्रे करे और स्ट्रेंथ, मतलब उनको है ज़रूरत इस टाइम पे, क्योंकि बहुत मैंने काजल की ही हालत देख ली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, दोनों ही उसके ऐसे फेवरेट थे कि उसकी प्लेलिस्ट पूरी इनके सॉन्ग से भरी रहती थी। मैं काजल को देख ही नहीं पाई और उसको देख के मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। तो मैं सबके लिए यही बोल रही हूँ कि अभी सब बस प्रे करो और अच्छे से रहो। बाकी बस गाइस, ये लाइफ बहुत छोटी है तो अच्छे काम करो और अच्छे से सबके साथ रहो। झूठ मत बोलो सबसे पहली बात, क्योंकि कुछ नहीं रखा है ये हेरा फेरी करने में, और भगवान जी कब आपको पनिश करेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों से बस हमें थोड़ा सा यही सीखने को मिलता है, जैसे उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो हमें भी अच्छे ही काम करने हैं, और लाइफ में अपना हमेशा ऐसे रहना है कि हमें किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना हो। तो बस गाइज, आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहेगा। होप कि आप लोग थोड़ा सा समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मैं कल मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।